आज लाइट चली गई, काफ़ी देर हो गई है, गर्मी से हाल बड़े और लाइट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमारे सलाद और साथ में हमारे पापड़ रेडी हो गए और खाना बस हम निकाल लें। तो खाना हमारा यहाँ पे रेडी हो गया, तो यहाँ पे दाल चावल साथ में पापड़ और साथ में सलाद और साथ में फल से का जूस। नाइया कहाँ जा रहे हैं? छोटी थी, फिर मुझे फिट फिट करके आ गई। छोटी चप्पल आ गई ना, फिट करके नई साइज चेंज करवाए थे ना। अच्छा चलो चलते हैं। जैसे चप्पल है, आप बोलो। मे भी कैमरा या तो फोकस नहीं रहा या गंदा था, तो ये नहीं पता, लेकिन चलो चलते हैं। बनाया अभी क्या सीन है? मम्मा का आएंगी नीचे, आएंगी पानी बोतल लेके सीन है। बाकी मज़ा आया था कल नानी के घर मिल के, भी बहुत मज़ा आया था नानी से, बहुत खुश हुई। ऊपर से ना क्या कहते हैं, उनका घर भी अच्छा था काफ़ी माशाल्लाह से, और हवा भी थी। तुम्हें पसंद आई है? तुम्हें तो नानी पसंद आ गई है क्या? पर पैसे नहीं, क्या? पर किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। हाँ तो क्या बोल रही थी तुम? अभी बोल रही थी नानी ना, वो मुझे पता था ना नानी कौन सी साड़ी पहनी थी, जैसे तुम येलो कलर की मैंने शायद पहनी, वैसे ही है नानी येलो में ज्यादा अच्छी लगती है माँ से। अच्छा जी, अब क्या करना है? कौन 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 आया भाई? अब इसकी चलो क्या हुआ? हाँ लोग आए हैं काफ़ी, तो इनके पास तुम्हारा क्या सीन है? इधर बैठो। क्या सीन मतलब क्या है? अभी जाओ क्या करोगी तुम? अच्छा चल देखते हैं। ना यार कोई नहीं आया। अच्छा और कोई नहीं आया? बस लीव आओ। हाँ इलेक्ट्रिक बस जा रही है। और ना यार मुझे बताओ तुम्हें तुम्हारी दोस्त ही आई कोई? बस यही बात चल रही है। नहीं अभी तो आई थी, यहाँ नहीं है, वो कहाँ चली गई? अपने घर। अच्छा और कोई नहीं है? मम्मा का वेट कर रही हूँ सिर्फ। अच्छा जी, और मम्मा क्या बनानी रात में खाने में, तुम्हें कुछ आइडिया? पता नहीं कुछ। अच्छा बात सुनो, मज़ा आया था कल? और नानी से मिलके भी नानी भी देख ली होंगे ब्लॉग्स ना ये। Awesome.
अब वो क्या बोल रही थी तुम? मेरी नानी है वापस शिफ्ट हुई है तो बहुत ही शिफ्ट हुई है अनाया अपने लैंग्वेज बोल दिए मेरा नाम नी नहीं मतलब क्या क्या तो नहीं मैं ना आप असली वाला मैं यूं नहीं आता तुम अपनी लैंग्वेज में बोल के मजा आता है ना मेरा नाम बना और ये सारी वेजीज कट करके रख दे थी जरा इसकी आंच कम करो तेल काफी गर्म हो चुका है कुकर का तो खाना हमारा यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल चाउमीन और साथ में हमारा स्पाइसी चाउमीन दोनों रेडी हो गए और साथ में हमने आइस भी डाल ली है पापुला में। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और यहाँ पे रात के ना कोई 2:30 बज रहे हैं और मैं जो है अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ और आप लोगों से गपशप भी करती हूँ मैं इस टाइम, आप लोगों को पता ही है। कल ना मैं इतने दिनों बाद सिटी गई ना, तो अम्मी के घर के आसपास बहुत सारी मार्केट्स हैं, जो छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं ना, इनके अंदर जो है काफ़ी कुछ मिलता है। और जो बहरिया में रहते हैं तो हमारे पास तो कुछ ही आउटलेट्स हैं जहाँ से हम चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने कोई 3-4 चक्कर बाज़ारों के भी लगा लिए और वहाँ पे मुझे एक साइट भी देखनी थी जो कि मैंने व्लॉग में नहीं डाली, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो उस चक्कर में पता है क्या हुआ कि मैंने इतना पैदल मैं चली, इतना चली और बहुत दिनों बाद पैदल चली, तो उस चक्कर में जो है ना मेरे सारे मसल्स पुल हो गए पैरों के ना, और सुबह जो है मुझसे उठा नहीं जा रहा था, बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि बिल्कुल मसल्स जो है ना वो ऐसे हो गए थे जैसे रबर बैंड, इतना पेन था। फिर मैंने वेंट्रोजिनो लगाया अपने पैरों पे, थोड़ा सा बेटर हुआ, लेकिन स्टिल जो है ना वो खड़े होने में पेन हो रहा है, क्योंकि काफ़ी जो है मैं चल ली और फिर जो रिक्शे में बैठी ना तो उसने कमर की ऐसी की तैसी कर दी, क्योंकि आप यूज़ टू नहीं हो उसके बाद जो है आप काफ़ी टाइम बाद बैठें तो फिर बंदे को थोड़ा सा फील तो होता है। लेकिन बहरहाल मज़ा आया और अम्मी भी काफ़ी खुश हुई और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स मैंने देखे, तो वो जो है मेरे लिए बहुत ही मुझे खुशी हुई, इतना प्यार आप लोगों ने दिया। और इसी को कहते हैं फैमिली, जब भी हम आप लोगों को कहते हैं ना YouTube फैमिली, तो मेरी लाइफ में जो जो होता है वो सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर भी करती हूँ, आपको पता है। और कोई कंटेंट मेकिंग नहीं होती, सिंपली जो कुछ लाइफ में चल रहा होता है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और बताती हूँ, क्योंकि हम लोग फेक हैं नहीं, जो ओरिजिनल है और जो ओरिजिनल चीज़ें ज़िंदगी में हो रही होती हैं। मैं हर चीज़ तो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स हैं, बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं जो नहीं शेयर कर सकते, लेकिन जितना मैं शेयर करती हूँ, जितना कर सकती हूँ उतना मैं ज़रूर करती हूँ। तो एक दो कमेंट्स ऐसे भी आए हुए थे कि आप कैसी बेटी हैं, अपनी माँ को आप साथ नहीं रख सकती। तो आप असल में देखें, एक वीडियो को देख के आप किसी को एनालाइज़ नहीं कर सकते, और जैसी मैं बेटी हूँ मेरा पूरा ख़ानदान अल्हम्दुलिल्लाह जानता है कि मैंने अपनी वालदा के लिए पूरी दुनिया छोड़ दी और 24 साल तक मेरी वालदा जो है वो मेरे साथ ही रही हैं। और 2 साल से मैं उनसे इसी वजह से नहीं मिल रही थी, इसी वजह से मेरी नाराज़गी थी, क्योंकि
जिस तरह मैं अपने बच्चों को लुक आफ्टर करती थी ना, इसी तरह मैंने अपनी मदर को भी लुक आफ्टर किया है हमेशा। और मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी उनको कोई हल्की चीज़ दिलाई हो या उन्होंने कोई हल्का कपड़ा पहना हो। हमेशा बेस्ट से बेस्ट चीज़ मैं उनको प्रोवाइड करती थी, जो भी मेरी इस्तेदात थी। और वो हमेशा ही मेरे साथ रहीं। मेरे चारों बच्चे जो हैं वो उनकी गोदों में खेल के ही बड़े हुए हैं। और वालदा की वजह से मेरा घर ही मैका था, तो सारे रिलेटिव्स जो भी हैं ननियाल ददियाल के, वो मेरी मदर से मिलने आते थे, तो वो मेरे ही घर पे आते थे। और मेरी बहुत ही अच्छी फैमिली बाउंडिंग्स हैं अपने रिलेटिव्स के साथ। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि बहरिया में रहने की वजह से अम्मी सबसे कट ऑफ हो गई थी, और खालाएँ वगैरह जो पाकिस्तान में होती हैं, जो आती भी थी, वो मिल तो लेते थे, लेकिन आपको पता है वो फ्रीडम तो नहीं है जो सिटी के अंदर है। हर कोई आ सकता है, हर जगह जा सकते हैं। तो अम्मी को ये था कि ये जो है ना कैद खाना है बहरिया टाउन, और यहाँ पे रहना जो है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो वो काफ़ी सोशल हैं, और ऑफ़ कोर्स मेरे मामू खालाएं और पूरी एक फैमिली है, तो इस वजह से जो है वो सिटी के अंदर मूव हुई। और अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई इस तरह की बड़ी स्पेस मिल जाए, ताकि अगर मैं उनके नियर बाई भी कहीं हूँ तो मैं उनको लुक आफ्टर कर सकूं। और डोंट वरी, मैं बहुत अच्छी बेटी हूं और अपने माँ का मैंने बहुत ख्याल रखा है हमेशा, और आगे भी रखूंगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप आके यहाँ शेयर नहीं कर सकते, और समटाइम्स वालदैन भी जो है कहीं ना कहीं कोई ज़िंदगी में मिस्टेक कर रहे होते हैं। लेकिन बड़े होने का मकसद ये नहीं है कि अगर आप गलत भी हैं तो उसके अंदर आपके बच्चे उनका साथ दें। तो समटाइम्स हो जाता है पेरेंट्स के साथ भी आपका इख्तलाफ राय, और लेकिन वो मुझसे प्यार भी बहुत करती हैं, और सबसे ज़्यादा टाइम उन्होंने मेरे साथ ही स्पेंड किया है। बल्कि वो मुझे कहती हैं कि मैंने तो तुम्हें 17 साल तक अपने घर में रखा था, लेकिन तुमने मेरे साथ 24 साल गुजारे हैं। ऑफकोर्स 17 साल की थी तो मेरी शादी हो गई थी, तो 24 साल तक अम्मी मेरे साथ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हम उनका ख्याल रखेंगे, और सभी उनका बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे लिए भी ना ये 2 साल आसान नहीं थे, और मैंने भी हर रात बड़ी मुश्किल में काटी है, और सारी दुआएं करके मैं अल्लाह के हवाले ही चीज़ें कर देती थी। क्योंकि समटाइम्स कुछ चीज़ों पे आपका इख्तलाफ़ राय होता है अपने माँ बाप के साथ भी, और जब माँ बाप उस चीज़ को नहीं रियलाइज़ कर रहे होते तो बेहतर होता है कि खामोश हो जाएं। इसलिए मैं सबसे कट ऑफ हो गई थी, मैं किसी से भी नहीं मिलती थी, ना फैमिली में, क्योंकि मैं किसी एक से भी मिलती तो फिर वही बात हो जाती कि मैं इनसे मिलती हूँ और उनसे नहीं मिलती। तो इसलिए मैंने सारी दुनिया ही छोड़ दी थी। तो आप मुझसे पूछें कि मैंने किस तरह गुजारे ये 2 साल, तो मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे बच्चों को उन्होंने बड़ा किया है, और पूरी ज़िंदगी मेरे बच्चे चाहे वो किसी भी कंट्री में हम रहे हैं, वो हमारे साथ रही हैं हमेशा। और आप देखें उनकी पिक्चर्स जो मैंने थंबनेल पे लगाई हैं, कि 2 साल में उनकी सेहत कहाँ की कहाँ पहुँच गई, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो सेपरेट रहना चाहती थी और अपने एक फ्रीडम के साथ रहना चाहती थी। इसलिए हमने उनको एक स्पेस दिया ताकि उनसे जो मिलना चाहे, आना चाहे, जाना चाहे, वो मिल सके ना। तो आपके कमेंट का मैंने रिप्लाई कर दिया है, और अगर आपको अभी भी तसल्ली नहीं होगी तो पिछले 24 साल की तस्वीरें तो मैं नहीं लगा सकती, लेकिन मैं मेरा खुदा जानता है कि मैंने कितने अच्छे तरीके से अपने हर रिश्ते को निभाया है, और कितना प्योरली और कितना अनकंडीशनली मुझे किसी से कोई लालच कभी भी नहीं रही ज़िंदगी के अंदर। मैंने हर रिश्ते को वक्त भी दिया, मोहब्बत भी दी, जान माल जिस्म रूह हर चीज़ से जो है मैंने सबकी खिदमत की है। तो एटलीस्ट मेरा सोल जो है वो सेटिस्फाई है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, और ना मैं बुरा कर सकती हूँ। मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती, ना मैं किसी के लिए बुरा सोच सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी नेचर में, मेरे सोल के अंदर ही ये चीज़ नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इतने सारे प्यार और मोहब्बत का, और इसी तरह जुड़े रहें, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है ना वो मेरे लिए स्ट्रेंथ हैं। क्योंकि समटाइम्स हम काम करते रहते हैं करते रहते हैं, आप लोग कितने टाइम से मुझे यहाँ देख रहे हैं, मैं अपनी ज़िंदगी की हर, अपने घर की हर मोमेंट्स आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि एक ताल्लुक़, एक फैमिली डेवलप होती है। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं, और मुझे उनके नाम पता हैं कि मुझे पता है इनके कमेंट्स आने हैं। तो वही बात है ना कि यू पीपल्स आर
पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो आप सब जो हैं मेरी YouTube फैमिली हैं, और आप लोगों के दो लाइंस के जो कमेंट होते हैं वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ, क्योंकि आप लोगों से मैं मिली नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत, आपकी दुआएं जो हैं वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती हैं। और प्लीज़ ज़रूर मेंशन किया करें कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि ये है कि मुझे पता हो कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा रही है और किस एरिया के अंदर। वैसे तो खैर हमारे YT स्टूडियो के ऊपर होता है कि हमें कौन कौन सी कंट्री से लोग देख रहे हैं, लेकिन जब आप लोग लिखते हैं ना फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम नॉर्वे, फ्रॉम UK, फ्रॉम USA, तो बहुत खुशी मिलती है। और ना मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं किसी दिन लाइव करूँ आप लोगों के साथ। वैसे तो यहाँ YouTube पे लाइव्स देखने के बाद बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह का जो है रिएक्शन आएगा लाइव्स के ऊपर, लेकिन लाइव आप लोगों से बातें करने का बहुत दिल चाहता है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग मुझे लाइव देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, फिर हम एक दिन कोई डिसाइड कर लेंगे और मैं आप लोगों को बता दूँगी। और फिर आप लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मुझसे लाइवली कर सकते हैं, और मुझे भी अच्छा लगे आप लोगों के साथ लाइव करके, क्योंकि 2 साल में मैंने एक बार भी अपने चैनल से लाइव नहीं की है, जबकि मेरे पास ऑप्शन भी है लाइव का। लेकिन समटाइम्स आपको पता है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप थोड़ा सा टाइम निकालें, लेकिन यह है कि अगर आप लोग चाहेंगे और मैं भी आप लोगों से कनेक्ट होना चाहूँगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मुझे लाइव देखना चाहेंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।